कुंभमेल एपर्यंत पुरी जिला को फेरी 25 जन श्रद्धालु से 22 जन होती सेवायत से 17 जन सेवायत आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आसी तेज अन्य 5 जन रिपोर्ट एजाए मिलना समस्त को होम आइसोलेशन रखा राज्य में 5000 मुहां दैनिक संक्रमण आज राज्य में 4761 कोरोना पॉजिटिव बाहरी संगरोधर 2785 और लोकाल केस रही 1976 खोर्धार सर्वाधिक 820 आक्रांत चिन्हट होती सुंदरगढ़ 673 नुआपड़ 534 बलांगीर 322 पॉजिट बाहरी से झारसुगुड़ 234 बरगढ़ 198 पुरी 193 पॉजिट चिन्हट होता बेले संबलपुर 183 कटक 176 कलाहांडी 176 नवरंगपुर 154 और केन्दुझर 103 पॉजिट मयूरभंज 86 पॉजिट जाजपुर 86 बालेश्वर 84 अनुगुल 81 पॉजिट भद्रक 63 नयागढ़ 63 रायगढ़ 60 केन्द्रापड़ 50 गंजाम 49 सोनपुर 47 कोरापुट 31 देवगढ़ 31 गजपति 31 कंधमाल 25 बौद्ध 23 जगत सिंहपुर 22 आक्रांत चिन्हट होती से मलकानगिर और ढेकाना जिलूर 6 जन लेखाएं कोरोना आक्रांत चिन्हट होती एभड़े आज राज्य में 5 जन जीवन नहीं किलर भाइरस कोरोन नुआपड़ 3 केन्दुझर और रायगड़ जड़े लेखाएं मृत्युवरण कर राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 1953 को वृद्धि पाई राज्य में मोट आक्रांत संख्या 377464 मोट सुस्थों संख्या 347637 राज्य विभिन्न हस्पिटाल 27821 चिकित्साधीन अच्छा देश में आज 2,59,170 आक्रांत चिन्हट होती गत 24 घंटे 1,54,761 आक्रांत सुस्थ होती देश में मोट आक्रांत संख्या 1,53,21,99 को वृद्धि पाई 24 घंटे देश में 1,761 जन जीवन नहीं महामारी मोट सुस्थों संख्या 1,31,08,582 पहुंची महाराष्ट्र 58,924 नुआ संक्रमित होती महाराष्ट्र 351 जन जीवन नहीं कोरोना दिल्ली में दिनक 23,686 पॉजिट चिन्हट केरल 13,644 छत्तीसगढ़ 13,834 संक्रमित देश में एजाए 1,80,530 आक्रांत मृत्यु हो 20,31,977 जन देशर विभिन्न हस्पिटाल चिकित्साधीन भारत में एजाए 12,71,29,113 जन को टीका दि जा कोविड मुकाबला नहीं प्रधानमंत्री माराथन मंत्रणा गतका दुईट बैठक पर आज पुणी आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सन्धार टीका उत्पादकों सहित भिसी आलोचना करेंगे पीएम गतका दुईट भिन्न भिन्न पर्यायर डाक्तर और फार्मा कंपानी सहित बैठक करते पीएम मे 1 देश में 18 वर्ष अधिक बयसर समस्ते नहीं पारे भैक्सीन 50% टीका केन्द्र सरकार को बिके उत्पादनकारी कंपानी तेज टीका उत्पादनकारी कंपानी राज्य सरकार को पूर्व निर्धारित दर में बिके पारे 50% टीका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गतका बसी गुरुत्वपूर्ण बैठक में निष्पत्ति बैठक में कोविड 19 टीकाकरण तृतीय पर्याय को मंजूरी दी यह पर्यायर कोरोना टीकार मूल्य निर्धारण क्रय बयस सीमा आदि को कोहल अनेपटे टीका कंपानी जपरी टीका उत्पादन बढ़ाई पारे से सरकार से प्रोत्साहन देवे कंपानी निज उत्पादन 50% सीधासलख राज्य और खोला बजार बिक्री करें राज्य सरकार सीधासलख कंपानी टीका किए 18 वर्ष अधिक बयसर समस्त टीका देवाई निष्पत्ति अनेपटे अग्राधिकार वर्गर लोकों पूर्वपरि मागणारे टीकादान जारी रहिबो सीबीएसई पर आईसीएसई 2021 दशम परीक्षा बातिल कोरोना संक्रमण वृद्धि नहीं निष्पत्ति बदलला आईसीएसई पूर्व आईसीएसई दशम और द्वादश परीक्षा स्थगित करा एप्रिल 16 आईसीएसई दशम परीक्षा स्थगित निष्पत्ति बदल आईसीएसई दशम परीक्षा बातिल कला आईसीएसई द्वादश परीक्षा स्थगित निष्पत्ति कायम रही अधिक सूचना पाई वर्तमान फोन लाइन जोड़ी होती हम सीनियर करेस्पोंडेंट निरुपमा बेहरा निरुपमा सीबीएसई पर आईसीएसई दशम परीक्षा बातिल कौन पर अपडेट रही है निरुपमा
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ଆଇସିଏସ୍ଇ ର ଉଭୟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ଭୟାବହତା ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଧାରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଆଇସିଏସ୍ଇ ର, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାରା ଦେଶରେ ଆଇସିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷାକୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇସିଏସ୍ଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ କେବେ ହବ ତାହେଲେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଇସିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବାତିଲ ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷା ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢା ଯାଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ହଉ, ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନାମଲେଖା କରାଯାଉ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର। ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏକାଦଶ ପାଇଁ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, କାରଣ ଆଗକୁ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱାଦଶର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସିଲାବସକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡମିସନ୍ ଓ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଇସିଏସ୍ଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଆଡମିସନ୍ ସହ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆଇସିଏସ୍ଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।